लाल है मेरे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा सा दे रहा है मेरे। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे और बड़े ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आप सबको वेलकम अपनी चैनल पे। अगर चैनल पे ना हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर फेसबुक से देख रहे हो तो फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो और लाइक करना है। तो फाइनली गाड़ी जो है पक्की हो चुकी है, अभी जो है हम लोड करने जाएंगे। तो दिखाते हैं आज आपको, क्योंकि आज यहाँ से जो है धान भरना है वो आपको दिखाएंगे, कितनी हाइट होती है धान में और कितना वज़न होता है और कौन सा धान भरना है, कहाँ के लिए भरना है, वो आपको सारा दिखाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक और शेयर करना, क्योंकि आपकी एक शेयर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो गाइस हो रही है गाड़ी लोड, बस अभी थोड़ा सा बचा है क्योंकि सुबह से टाइम नहीं आया, सुबह से सो रहे थे हम यहाँ पे, तो अभी भी टाइम आया। अभी गाड़ी लोड चल रही है, बस लास्ट के एक दो टाल बचे हैं, फिर रसा त्रिपाला बांधने की निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे त्रिपाला बांधना ज़रूरी है। बाकी बारिश बारिश की टेंशन नहीं है, त्रिपाला इसलिए बांधते हैं क्योंकि ये माल जब फिर सूखता है तो फिर इसमें उधर काम होता है तो फिर पैसे कटते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे जो है त्रिपाला लगाना पड़ता है। ये हो गया गाड़ी की लोडिंग, बस लास्ट की एक टाल बची है, फिर निकलेंगे हम यहाँ से। ये देखिए दो बोरी हाइट हुई है, ये लेबर, ये देखो पूरा धान इन्होंने दिन में उतारा है, क्योंकि इनको छोटी गाड़ी में धान आता है वो भी उतारना पड़ता है, फिर पैकिंग उधर से ही पैकिंग और उधर से ही लोडिंग। देखिए निकल गए हम लोड करके धान भर के, दोनों गाड़ियाँ आए हैं, मुश्ताक भाई की गाड़ी आगे आगे पीछे हम चल रहे हैं। तो दोनों गाड़ियों ने धान लोड किया है, यमुनानगर का लोड है मेरी गाड़ी में, इसको भी उधर ही आसपास है। तो निकल गए अभी लखनऊ से, चल रहे हैं फिलहाल, आज रात पूरी चलेंगे तो कल इंशाल्लाह पहुँच जाएंगे कल शाम तक, क्योंकि अब बहुत दिन यहाँ भी हो गए, मैंने 3 दिन लगाए लखनऊ मंडी में, बैठ गए ऐसे ही 2-3 दिन, क्योंकि मुश्ताक भाई ने बोला फिर इकट्ठे जाएंगे, मैंने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो अभी चल रहे हैं फिलहाल, देखते हैं कहाँ तक चलेंगे, वो तो डील सेट करेंगे मुश्ताक भाई बोलेगा, क्योंकि उसको इस यहाँ का इस रोड का पूरा पता है, टाइम का पता है। तो फिलहाल चल रहे हैं अभी, अल्लाह रहम करे आप लोग देख सकते हो, अभी तकरीबन 30-40 किलोमीटर ऐसे ही रोड पर चले, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, अल्लाह रहम करे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, अल्लाह सब कर रहे हम करे, बस ड्राइव केयरफुली जो भी इस रोड पर चल रहा है, अभी बिल्कुल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है सच में। अभी कहीं कहीं पर जहाँ पर लाइटें चल रही है वहाँ से कुछ दिखाई दे रहा है। आज अभी हम शामली पहुँच गए, बाकी 10 बज के अभी शामली में हैं, हम चल रहे हैं बिल्कुल शामली में, यहाँ पे भीड़ है बहुत ज़्यादा। तो मुश्ताक भाई गया है यहाँ से, उसने अपना इसको दूसरे रास्ते से जाना था तो वो गया है उस साइड, तो हमको जाना है पहले करनाल, करनाल से फिर यमुनानगर रोड पे हमें जो है फैक्ट्री ये मिल रहा है। फिलहाल चल रहे हैं, फिलहाल हमें करनाल पहुँचना है, फिर वहाँ से हमें यमुनानगर वाला रोड लेना है, उसी रोड पे जो है ये मिल है। शामली में चल रहे हैं, देखेंगे खाली कब होगा, आज होगा या कल होगा, वो तो अभी पता नहीं कब पहुंच जाएंगे, तो अब जाके देखते हैं आगे मिलेंगे।